हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी फैंटेसी में। दोस्तों, जो पहले अपना फैंटेसी जंकीज नाम का यूट्यूब चैनल था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अभी उस पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है। तो आप हमारे इस जो नए यूट्यूब चैनल है एसपी फैंटेसी को, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले मैचेस की सारी वीडियो इसी चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों, कल के लिए सॉरी, क्योंकि कोई मैच कवर नहीं कर पाया कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से। आज हम बात करने वाले हैं PDSC और MSC बीच जो खेला जाएगा ढाका T20 मैच में। दोस्तों, ये जो मैच है, इसमें आपको जो पॉइंट दिखा रहे हैं वो दो दो मैच के दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों ने चार चार मैच खेल चुकी है। तो अब हम पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, फिर चारों मैचों में किन प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों, हाँ, तो आपके लिए एक अच्छा सा ग्रैंड लीग मैच भी हो सकता है, साथ ही स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा मैच हो सकता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे मैचेस में लाइनअप लेट आती है, तथा बारिश की वजह से टॉस वगैरह भी देरी से होता है। तो अगर हो सके तो जितना जल्दी मैं टीम प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तथा अगर टॉस के बाद अगर ओवर कम होते हैं तो आपको हमारे चेंजेस में बेफिक्र कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा। तो आपको उसके लिए हमारी फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप जल्दी आइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल की बात करें ढाका प्रीमियर लीग में, तो PDSC जो आज मैच खेला जाएगा वो टॉप पर है। चार मैच खेला, 3 विन किया और एक बारिश की वजह से रद्द रहा, तो ये अजय है, मतलब अभी तक एक भी मैच नहीं हारी। दोस्तों, साथ ही अगर हम MSC की बात करें तो इसने 4 मैच खेले, 3 जीते हैं 1 हारी है और नंबर 4 पर है। तो इन दोनों टीमों में से जो मेन फेवरेट टीम रहेगी वो PDSC की रहेगी। अब PDSC के टॉप परफॉर्मर की बात करें दोस्तों, तो हम चलते हैं PDSC के बैट्समैन के खिलाफ, बैट्समैन का रिकॉर्ड देखते हैं, तो किसने कैसा परफॉर्म किया वो आपको पता चल जाएगा। ये देखो दोस्तों, जो सैफ हसन है, जिसने 4 मैच में 115 रन बनाए 3 इनिंग में, एक इनिंग दोस्तों बारिश की वजह से रद्द रही, तो 4 मैच की 3 इनिंग में 115 रन बनाए 150 और 38 के एवरेज, तो आपके लिए बेस्ट प्लेयर है। फिर है फैजल महमूद, जिसने 4 मैच की 3 इनिंग में 94 रन किया 41 के एवरेज के साथ। शामीम हुसैन ने 4 मैच में 63 रन बनाए, उज्जैन ने 4 मैच में 38 रन की पारी खेली। आप देख सकते हैं प्रत्येक प्लेयर्स का स्टेट्स। दोस्तों, अब अगर हम बात करेंगे वर्ष बॉलर की, तो रिजवर रहमान ने 4 मैच में 6 विकेट लिए, आपके लिए बेस्ट प्लेयर है। दोस्तों, कितने ओवर किए इसने, 16 ओवर किए, पूरे हर मैच में चार ओवर कर रहा है। फिर आता है सरीफुल्ला ने 4 मैच में 5 विकेट लिया, एनिमल हक JNR ने 4 मैच में 5 विकेट लिया, खरम इस्लाम रब्बी ने 4 मैच में 5 विकेट लिया, शमीम हुसैन पटवारी दोस्तों जो बैट्समैन में है, इसने 4 मैच में 4 विकेट लिया, फरीद रज्जा ने 4 मैच में 3 लिया और तैयबुर रहमान ने 2 मैच में 1 विकेट लिया 2 ओवर के। तो आप प्रत्येक प्लेयर्स के बॉलिंग स्टेट्स देख सकते हैं इनकी टीम की ओर से। अब हम मोहम्मद स्पार्टन्स जो क्लब की बात करें, तो इनकी ओर से जो नदीप चौधरी है, जिसने 4 मैच में 128 रन बनाया 150 के साथ। फिर आता परवेज हुसैन इमोन, जिसने 4 मैच में 106 रन बनाए, शमसुर रहमान ने 4 मैच में 105 रन बनाए, शकीब अल हसन ने 4 मैच में सिर्फ 51 रन किया। फिर इरफान ठाकुर, जिसने 4 मैच में 53 रन किया 150 भी मारी, लेकिन एवरेज बहुत ख़राब है, क्योंकि सिर्फ एक ही मैच में 52 कर लिया, बाकी 3 मैचों में सिर्फ उसने 1 बनाई। तो अब आप हर एक प्लेयर्स का देख सकते हैं इधर। अब इनकी बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों, साकिब तो विकेट टेकर है, जिसने 4 मैच में 7 विकेट लिया। फिर आता तस्कीन अहमद, जिसने 3 मैच में 5 विकेट लिया, अबू जयाद ने 4 मैच में 5 लिया, अबू हाइडर ने 4 मैच में 3 लिया, यसीन अशरफ अरफात ने 2 मैच में 2 लिया, अशिफ हसन ने 3 में 2 लिया और सुवक्ता होम ने 4 मैच में 1 विकेट लिया। दोस्तों, तो ये रहा दोनों टीमों का स्टेट्स बैटिंग बॉलिंग का। अब हम बात करने वाले ड्रीम टीम की। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं विकेट कीपर में। ठाकुर सुकूर और उज्जैन दोनों अच्छे हैं, मैं अभी के लिए उज्जैन को लेता हूँ। अब अपने पास बैट्समैन में बहुत अच्छी अच्छी चॉइस है, लेकिन ये जो मैच आपका क्रेडिट प्रॉब्लम करेगा, तो आप अगर हमारे फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं खेलता तो अपने लिए बेस्ट मैच साबित हो सकता है। अपने पास सैफ हुसैन है, जो अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर है, फहीद महमूद मोहम्मद है, जो सेकंड टॉप स्कोरर रन स्कोरर है, फिर पटवारी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, नवीस चौधरी जो है वो MDSC का टॉप स्कोरर है, और आता है फिर परवेज हुसैन, जो इनकी MSC की टीम का टॉप, दोनों टॉप बैट्समैन है। अगर हम SEA टीम बना के चले तो 100% हमें क्रेडिट प्रॉब्लम करेगा। साथ ही अगर बात करें शमसुर रहमान, तो अभी अपनी टीम के लिए बेस्ट प्लेयर ही, तो अभी तक के लिए हम इसको छोड़ देते हैं।
तो दोस्तों मैंने बैट्समैन में इन सारे टॉप प्लेयर को कवर किया। मैं ऑलराउंडर में लूँगा सकीब अल हसन और फरीद रजा को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं लूँगा इसकी जगह अहम हसन को जो दो मैचों में अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। फिर बॉलर में मैं लूँगा तस्किन अहमद, अबू जैद और आर क्रेडिट में तो अपने पास कोई बॉलर है ही नहीं रहा, तो रुको कुछ करते हैं। तो दोस्तों असेंबली क्या करते हैं, हम अफ महमूद को निकाल के ड्रॉप करके शमसुर रहमान को ले लेते हैं टीम में, और बॉलर में फिर हम सरीफुल्ला को ले लेते जो अपनी टीम के लिए टॉप बॉलर है। तो अभी के लिए ये टीम है मेरी, ये कभी फाइनल टीम नहीं है। आप जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े क्योंकि आपको फाइनल टीम वहीं पे मिलेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।